हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर गूगल एड्स इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम फिर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे गूगल एड्स से रिलेटेड। आप चाहते हैं कि गूगल एड्स की जॉब की इंटरव्यू को आप क्रैक करना चाहते हैं, आप अपने स्किल को इन्हांस करना चाहते हैं, तो आपको इस सीरीज को जरूर फॉलो करना चाहिए। मेरा एक इनिशिएटिव यह है कि मैं अपने चैनल पर अदर कोर्सेज की तरह एक और डेडिकेट प्लेलिस्ट बनाऊं, जिसमें मैं आपके लिए 100+ क्वेश्चंस लेकर आऊं जो गूगल एड्स से रिलेटेड है, जो इंटरव्यू में आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और आपके गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं कि आपकी कितनी नॉलेज है, कितना आपको एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकली कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी कैंपेन को। इसलिए मेरा ये इनिशिएटिव है, अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं और आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की मैट्रिक्स यू वुड ट्रैक फॉर ए गूगल एड्स कैंपेन। अगर आप गूगल एड्स कैंपेन रन कर रहे हैं तो आप क्या चीज ट्रैक करते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, कुछ इंपॉर्टेंट जो मैट्रिक्स है वो कैसे आप चेक करते हैं, वो आपको पता है कि नहीं है, यानी आप अंदाजा कैसे लगाएंगे, कैसे आप रिपोर्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स को। तो इसी के बारे में आपसे ये जानने की कोशिश की जा रही है। यहां मैंने लिखा है, आई वुड ट्रैक मैट्रिक्स लाइक CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन भी इसे हम कह सकते हैं, कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है, एंड CTR यानी क्लिक थ्रू रेट हमें क्या मिल रहे हैं। आई परफॉर्म रेगुलर डाटा एनालिसिस टू गाइड ऑप्टिमाइजेशन डिसीजन। अगर आप अपना कैंपेन रन कर रहे हैं, चाहे आप डिस्प्ले कैंपेन रन कर रहे हैं, आप यूट्यूब एड्स रन कर रहे हैं, आप सर्च एड रन कर रहे हैं, तो ये सारे मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई आप यूट्यूब एड्स रन कर रहे हैं तो यूट्यूब एड्स में आपको CPV यानी कॉस्ट पर व्यू पे मॉनिटर करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि CPV क्या होता है, कॉस्ट पर व्यू यानी एक व्यू का गूगल को आप कितना पैसे देने पड़ रहे हैं, ये कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा, ऐसा ना हो कि आपसे ज्यादा चार्ज किया जा रहा या आपने कुछ रॉन्ग डिसीजन टारगेटिंग कर ली है आपने, इस वजह से आपकी CPV ज्यादा आ रही है। तो आपको इस मैट्रिक्स पे ध्यान में रखना है इन केस ऑफ यूट्यूब एड्स। इसी तरह अगर आप डिस्प्ले एड्स रन कर रहे हैं तो वहां पर एक मैट्रिक्स होती है व्यूअल CPM। व्यूअल CPM को इस तरीके से हम लिखते हैं, इसका मतलब है कि अगर आप डिस्प्ले एड्स रन कर रहे हैं तो वहां पर आप 1000 इंप्रेशंस के कितने पैसे आप गूगल्स को देने पड़ते हैं। तो यहां पर आपको जो ये मैट्रिक्स दिख रहे हैं ये स्पेसिफिक होते हैं किसी एक कैंपेन के लिए। जैसे अगर आप सर्च एड रन कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा मेरे एड्स कितने लोगों को दिखे और कितने लोगों ने मेरे एड्स पर क्लिक करके मेरे लैंडिंग पेज पर आया, यानी कि CTR क्या है, क्या CTR मेरा कम है, अगर कम है तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि CTR कम होने से आपकी एड की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कोई कन्वर्जन चला रहे हैं, कोई सेल्स कैंपेन आप चला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 रुपए की, 150 रुपए की, कितने की मुझे कन्वर्जन आ रही है, एक कन्वर्जन, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मैट्रिक्स है जो आपको बता सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को, ताकि वो आपको जज कर पाए कि आपकी कितनी नॉलेज है इस फील्ड में। ठीक है, चलिए हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, हाउ डू यू ट्रैक स्पेसिफिक लोकेशन इन गूगल एड्स। किसी स्पेसिफिक लोकेशन को अगर टारगेट करना है आपको गूगल एड्स में, तो आप कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा सर्च एड में भी, डिस्प्ले एड्स में, हर एक टाइप के कैंपेन में आपको वहां पर ऑप्शंस मिलते हैं कि आप अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग, आप अपने पोटेंशियल कस्टमर के अकॉर्डिंग वहां पर लोकेशन की टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, By using location setting in the campaign option, I can choose location based on cities. अगर आप किसी specific cities को target करना चाहते हैं, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। Region को भी target कर सकते हैं। Region का मतलब जैसे दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं, जैसे करोल बाग हो गए, यहाँ पे लाजपत नगर हो गए, नेहरू प्लेस हो गए, इसी तरह मुंबई में धारावी है, बहुत सारी चीजें जगह है, वहां पर आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। एंड ज्योग्राफिकल एरियाज भी आप टारगेट कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन को मैं टारगेट कर सकता हूँ, वहां पर आपको एक पिन का ऑप्शन होता है, यानी उस पिन को ड्रैग कर देते हैं अपने मैप पे, वहां पर वो लोकेशन वो टारगेट हो जाता है आपसे। आई टेल हर एज़ टू स्पेसिफिक ऑडियंस इन रेलेवेंट लोकेशन बाय यूजिंग दिस अप्रोच, आई हैव इनहेंस एड परफॉर्मेंस एंड ड्राइवन बेटर ROI। अगर आप लोकेशन टारगेटिंग सही से नहीं करते हैं तो बहुत हद तक आपका कैंपेन कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि जहां आपका पोटेंशियल कस्टमर है आप वहां पर सही से एड ही नहीं दिखा पा रहे हैं, तो फिर आपका एड किसी ऐसे ऑडियंस को दिखेगा जो इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में। इसलिए ऑडियंस की टारगेटिंग करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया में आप यहाँ पे रेडियस वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये मेरा एरिया है और मैं यहाँ से, ये मेरा शॉप है कोई या मेरा बिजनेस है, मैं इसके आसपास के 10 किलोमीटर एरिया को टारगेट करना चाहता हूँ, यानी जो भी मेरे बिजनेस से 10 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं मैं उसे टारगेट करना चाहता हूँ। जैसे अगर आपको, आप कोई डेंटिस्ट के लिए एड रन कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे क्लिनिक पर लोग आए अपनी टीथ की प्रॉब्लम को लेकर,
लेकर मैं उन्हें चाहता हूँ ट्रीटमेंट करना। तो आपको क्या करना, जहाँ आपकी क्लिनिक है उसके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आप टारगेट कर लीजिए, वहाँ से लोग आपके पास आएंगे और आप उन्हें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी तरीके से जो भी फिजिकल लोकेशन है और आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके शॉप पर आए, आपके स्टोर पर आए, तो आप इस तरीके के लोकेशन को टारगेटिंग कर सकते हैं और यहाँ से आपकी ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ ए गूगल एड्स कैंपेन। कोई भी आपने कैंपेन रन करा तो आप किस बेस पर उसे डिसाइड करेंगे कि ये जो मेरा कैंपेन है ये सक्सेसफुल रहा है, यहाँ मुझे अच्छा परफॉर्म मिला या फिर यहाँ मुझे डिजायर रिजल्ट नहीं मिला, वो कौन सा बेस है जिसके आधार पर आप ये डिसीजन लेंगे। आई मेजर द सक्सेस ऑफ गूगल एड्स कैंपेन बाय एनालाइजिंग की मैट्रिक्स सच एज कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या आया मुझे। जैसे अगर आपने 10,000 रुपये खर्च करा आप अपने ऐड में, ये आपकी ऐड इन्वेस्टमेंट है, और 10,000 खर्च करके अगर आपको 10,000 रुपये की ही रेवेन्यू आई, आपका प्रोडक्ट या सर्विस सेल हुआ, तो यहाँ से आपका क्या बेनिफिट हुआ? कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन यहीं पर अगर 10,000 खर्च करके आपको 50,000 रुपये की सेल्स आती है, आपकी कोई लीड्स आती है और उस लीड की वैल्यू 50,000 रुपये है, तो यहाँ पर आपकी कितना 40,000 की रेवेन्यू आई है आपके पास। आपने 10,000 खर्च करा और 50,000 की आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल हुई है, तो यहाँ पर 10 माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा 40,000 रुपये। अब इस 40,000 को आप कह सकते हैं कि ये मेरी रेवेन्यू आई। तो कन्वर्जन आपको यहाँ पे पता करना है कि कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या रहा, यानी एक कस्टमर को मुझे एक्वायर करने में कितना पैसा खर्च हुआ है। इसी तरह का सीटीआर हो सकता है, क्लिक थ्रू रेट मेरा क्या रहा, इसके बेस पर भी कह सकते हैं कि मेरा ऐड अच्छा परफॉर्म करा। एंड कन्वर्जन रेट क्या रहा, आप ये भी सीख सकते हैं। आई ट्रैक दिस डाटा पॉइंट टू ऑप्टिमाइज द एड कैंपेन एंड अचीव हायर आरओआई। अब इसी तरीके से आप अगर यूट्यूब के केस में हम यहाँ देखते हैं, आपने 10,000 रुपये खर्च करे, अपने 10,000 रुपये खर्च करा अपने वीडियो कैंपेन में, और आपकी वीडियो पर 20,000 के करीब व्यूज़ आ गए यहाँ पर, क्योंकि व्यूज़ हम यहाँ काउंट करते हैं जो सीपीवी है, अगर 50 पैसे भी हम मानते हैं तो 20,000 की व्यूज़ आ गए। अब 20,000 के जो व्यूज़ आए उसमें से करीब 15,000 आपकी वेबसाइट को विजिट करा, आपकी वेबसाइट पर आए, वो लैंडिंग पेज को देखा, आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करा, तो फिर ये जो 15,000 है यहाँ तो कुछ ना कुछ तो आपके प्रोडक्ट को परचेज भी करेंगे ना आपकी वेबसाइट से। मान लेता हूँ मैं यहाँ से जो वेबसाइट पर विजिट करा, 15,000 विजिट करा, इसका 10% ही कन्वर्ट हो जाए हमारी वेबसाइट से, तो 10% भी कन्वर्ट होकर हमारे पास अगर 1,00,000 रुपये या 80,000 की मेरे पास रेवेन्यू आ जाती है, तो फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने 10,000 रुपए खर्च करके 20,000 व्यू लाए और 15,000 आपकी वेबसाइट पर आए और वहां से वो प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करा। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हैं कि मैं इस तरीके से अपने कैंपेन के सक्सेसफुल है या नहीं मैं ये मेजर करूंगा ये सारे मैट्रिक्स के बेस पे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How do you set up conversion tracking in Google Ads? अगर आप सर्च ऐड रन कर रहे हैं तो फिर आपको ये जरूर जानना चाहिए कि हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करना। कन्वर्जन ट्रैकिंग का मतलब है कि आप GTM वगैरह एक टूल है Google Tag Manager, उसके थ्रू आप अपने Google Ads और आप अपने वेबसाइट के बीच एक establish कनेक्ट करते हैं। जैसे Facebook Ads में आपने देखा होगा पिक्सल होते हैं, जहां ऐड मैनेजर और Facebook के ऐड मैनेजर और वेबसाइट के बीच कनेक्शन establish करते हैं ताकि डाटा ट्रैक कर पाए। जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आए हैं तो वो क्या वहां पर करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, कौन से प्रोडक्ट पेज को विजिट करते हैं, वो ऐड टू कार्ट करते हैं, ये सारे ट्रैक कर सकते हैं डाटा। उसी तरीके से गूगल में भी आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना पड़ता है कि जब आप ऐड रन करते हैं और ऐड रन करने के बाद जब कोई यूजर आपके ऐड को देखता है, वो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, तो वो वेबसाइट पर क्या एक्टिविटी करता है, क्या वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, क्या वो वहां से परचेज कर रहे हैं, किसी दूसरे प्रोडक्ट को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सारी चीज आप पता कर पाते हैं जब आप कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करते हैं। और कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको कोड दिया जाता है या तो आप कोड प्लेस कर सकते हैं या फिर गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप यहां पे कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि यहां पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, उन सब पे ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो वहां पर आपको गूगल एड्स से रिलेटेड एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही देखने को मिल जाएगी। अगर आप उस कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं, तो गूगल एड्स में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो बहुत बेनिफिट है, बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है, प्रैक्टिकल करके आपको रियल डाटा से एक्सपोजर दिला है उस कोर्स में, आप जाकर वहां से सीख सकते हैं। उसके बाद आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे और फिर आप आसानी से किसी भी टाइप का गूगल एड्स का जॉब का इंटरव्यू आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा बाय क्लिकिंग ऑन द टूल्स एंड सेटिंग, यानी आपको गूगल एड्स के ऑप्शन में या डैशबोर्ड में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एंड सेलेक्टिंग कन्वर्जन हम वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आई वुड बी एबल टू क्रिएट ए न्यू कन्वर्जन एक्शन। न्यू कन्वर्जन एक्शन का मतलब है कि अगर आपका सर्च ऐड रन हो रहा तो सर्च ऐड में आपकी वेबसाइट पर यूजर आके क्या वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं, अगर इसी तरह आप कॉल एड्स रन कर रहे हैं तो कॉल एड्स को भी आपको ट्रैक करना चाहिए कि कॉल जब मेरे पास आई तो कितने सेकंड तक कॉल चली, 60 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, और कितनी कॉल आई, हमें पता तो चले कि हमने अगर 10,000 रुपये हमने
खर्च करा ऐड में, तो हमारे पास कितने कन्वर्जन आए, कितनी सेल आई, कितनी कॉल्स आई हमारे पास, कितनी लीड्स आई, ये सारी चीज़ आप पता कर पाते हैं जब आप कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करते हैं। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करना चाहिए जब आप गूगल एड्स कैंपेन बना रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह भी सेटअप कर लेना ताकि आप अपने ऐड को अच्छे से मॉनिटर कर पाओ और आप एक रिपोर्ट बनाकर अपने क्लाइंट्स को दे सको कि सर ये देखिए आपने इतना खर्च करा, आपको ये रिजल्ट मिला। ये सारे एक एजेंसी स्टाइल तरीका है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। और मैं आपको यही सारी चीज़ें सिखाता हूँ अपने इस यूट्यूब के जरिए ताकि आप एक प्रोफेशनल बन सकें और आप अच्छे से वर्क कर सकें इस फील्ड में, ठीक है। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट इज कंटेंट एक्सक्लूजन इन गूगल एड्स? गूगल एड्स में कंटेंट एक्सक्लूजन क्या होता है? जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, एक्सक्लूजन करना यानी हम अपने कंटेंट को किसी स्पेसिफिक लोकेशन से, किसी स्पेसिफिक वेब पेज से हम एक्सक्लूड कर देते हैं, हम नहीं दिखाते वहां पर। अब इसका बहुत बड़ा सिनेरियो पहले हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। कंटेंट एक्सक्लूजन सेटिंग लेट यू ऑप्ट आउट ऑफ शोइंग योर एड्स अलोंगसाइड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वेबसाइट, वीडियोस एंड मोबाइल एप्स। मान लीजिए आपको कोई एक कंटेंट है, आपका ऐड है, और आप नहीं चाहते कुछ स्पेसिफिक टाइप की वेबसाइट, जैसे ऐसी वेबसाइट है जहां पे गैमलिंग को प्रमोट करा जाता है, जहां पर सेक्सुअल कंटेंट होते हैं या कुछ सेंसिटिव कंटेंट होते हैं, सोशल इश्यूज से रिलेटेड कंटेंट होते हैं, मैं नहीं चाहता वहां पर अपना ऐड दिखाना, यहां से हो सकता है मेरी ब्रांड की जो इमेज है वो हैम्पर हो जाए, तो मैं उस कंटेंट को, उस वेबसाइट को मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा और वहां पर मैं नहीं चाहूंगा दिखाना कि मेरा ऐड वहां पर शो हो। तो इस तरीके से आप अपने ब्रांड इमेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वैसे गूगल अपने साइड से बहुत कोशिश करता है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी चीजें ना आए जो कम्युनिटी को वायलेट करता हो या फिर उनकी ऑडियंस के लिए बेटर नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो सेंसिटिव टाइप के होते हैं, अगर उससे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने ब्रांड को, अपने कंटेंट को, तब कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं गूगल एड्स में, ठीक है। वहां पर आप अपने कंटेंट को, आप अपने ऐड को ऐसे वेबसाइट से एक्सक्लूड कर सकते हैं आसानी से। चलिए हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक? यानी आपको यहां पे मिलता है एक ऑप्शन, वेबसाइट ट्रैफिक। अब इस वेबसाइट ट्रैफिक का पर्पस क्या है, क्या चाहते हैं आप, इस क्या कर सकते हैं आप इस वेबसाइट ट्रैफिक के कैंपेन से? तो यहां देखिए मैंने लिखा है, द मेजर पर्पस ऑफ दिस गोल इन गूगल एड्स इज टू ब्रिंग सफिशियंट ऑडियंस हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस कैटेगरी। जैसे मेरा अगर कोई लेदर शू का बिजनेस है, मैं अपने वेबसाइट पर, ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने बनाया, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट कलर में, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में मैंने वहाँ पर लेदर शूज़ को लिस्ट करा और मैं चाहता हूँ ये सेल करना, तो मैं ऐसे ऑडियंस को दिखाऊंगा जो राइट ऑडियंस है, जो आइडियल कस्टमर, जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं लेदर शूज फॉर मेन, लेदर शूज फॉर मेन अंडर 2000, अंडर 5000, इस तरीके से जो सर्चेस कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग मेरे वेबसाइट पर आए, यानी आइडियल कस्टमर को अपनी वेबसाइट तक लाना ही इस वेबसाइट, ये जो कैंपेन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब सोचिए अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है और कोई सोर्स नहीं है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का, कैसे ट्रैफिक लाएंगे? जब तक ट्रैफिक नहीं लाएंगे आप अपने स्टोर पर, तब तक सेल नहीं होगी। इसलिए गूगल में आपको वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन एक मिलता है स्पेसिफिकली, जहां पर आप अपने आइडियल कस्टमर को, अपने बिजनेस से रिलेटेड आइडियल कस्टमर को आप अपने वेबसाइट पर लाते हैं, फिर वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। इन गूगल एड्स यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए कैंपेन यूजिंग वेबसाइट ट्रैफिक गोल विच रिकमेंड सेटिंग एंड फीचर to help you drive interested customer to your website. आप समझ में आ गया आपको? तो वेबसाइट ट्रैफिक आप इसी सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं जब आपका ई कॉमर्स वगैरह सेटअप हो और वहां से आप सेल्स जनरेट करना चाहते हो। इसी तरीके से आपको मल्टीपल टाइप के कैंपेन देखने को मिलते हैं, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वहां पर चूज करते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछने का एक ही मतलब होता है इंटरव्यू का, कि वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहते हैं कि आपकी रियल में नॉलेज है या नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं, या सिर्फ आपने टूल से सीखा है, आपको इसके केस स्टडीज के बारे में पता नहीं, इसका बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता नहीं। तो आपको ये सारी चीज यहां पे मैं इसीलिए सिखा रहा हूं ताकि आप सीखकर आसानी से अपनी जॉब को क्रैक कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, व्हाट इज लैंग्वेज टारगेटिंग इन गूगल एड्स? अब आपने देखा होगा आपको डिवाइस टारगेटिंग भी मैंने सिखाया है, आपको यहां पे वेबसाइट टारगेटिंग दिखाया है मैंने, आपको यहां पे लोकेशन टारगेटिंग सिखाया है। इसी तरीके से एक लैंग्वेज टारगेटिंग का भी ऑप्शन है, यानी आप लैंग्वेज के बेस पर ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं। जैसे आपकी एड कॉपी, आपकी वीडियो हिंदी में है या इंग्लिश में है और आप टारगेट करना चाहते हो तमिल लोगों को, तो आप क्या कर सकते, क्या वो समझ पाएंगे आपकी एड कॉपी को? नहीं, तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, मैं ऐसे लोगों को, तमिल, तेलुगू, ऐसे जो लोग हिंदी में फ्रिक्वेंट नहीं है, वो नहीं बोल पाते हिंदी अच्छे से, तो मैं उसे क्यों ऐड दिखाऊं, क्योंकि वो मेरी एड कॉपी नहीं समझ पाएंगे, वो मेरे मैसेज को ही जब नहीं समझ पाएंगे तो वो कन्वर्जन क्या करेंगे। इसलिए यहां पे आपको लैंग्वेज टारगेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। यहां दिखा मैंने, लैंग्वेज टारगेटिंग अलाउ यू टू चूज द लैंग्वेज ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर यू हैव लाइक टू रीच, यानी ऐसा कस्टमर जो मेरी लैंग्वेज को जानता है,
जैसे अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल लूँ, मैं अगर ऐड रन करूँगा अपनी ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स कोर्सेज के लिए, तो मैं ऐड कॉपी हिंदी में बनाऊंगा। तो मैं टारगेट किसे करूँगा? ऐसे ही लोगों को जो हिंदी बोलता हो, जिनकी लैंग्वेज हिंदी हो, जो फ्रिक्वेंट है इस लैंग्वेज में। वी विल शो यू आर टू कस्टमर हु यूज गूगल प्रोडक्ट, जैसे गूगल के। अब ये पता कैसे चलता है गूगल को कि एक यूजर जो है उसकी लैंग्वेज क्या है? तो वो जो जिस लैंग्वेज में वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, जैसे गूगल का कैलेंडर है, गूगल का जीमेल है, वेबसाइट की जो सेटिंग वगैरह होते हैं, सर्च इंजन वगैरह की जो सेटिंग होती है, वो किस लैंग्वेज में आप इस्तेमाल करते हैं, उसी के बेस पर गूगल ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये जो यूजर है इसकी लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है, तेलुगु है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पे है डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड कॉल आउट एक्सटेंशन। तो सबसे पहले तो आपको एक्सटेंशन के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सर्च ऐड से रिलेटेड है। एक्सटेंशन एक ऐसा फीचर है गूगल की तरफ से जहां पर आप अपनी ऐड में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। आप अपने टेस्टिमोनियल रिव्यू वाला पेज का लिंक डाल सकते हैं, आप यहां पे अपने सर्विस पेज का लिंक डाल सकते हैं, आप यहां पर बहुत सारे चीज प्राइस का डाल सकते हैं, यहां पे बहुत सारी चीज डाल सकते हैं। यानी आप अपने ऐड में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, उसी में से ये पूछ रहा है कि जो दो टाइप के एक्सटेंशन होते हैं, कॉल एक्सटेंशन और कॉल एक्सटेंशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हालांकि सुनने में ये सेम लगते हैं, बट ये दोनों ही अलग हैं और अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए पहले वाले को हम देखते हैं। कॉल एक्सटेंशन अलाउ यू टू प्लेस ए फोन नंबर ऑन योर एड, अलाउइंग पीपल टू कॉल फ्रॉम रिजल्ट एंड एक्सपेंड योर एड स्पेस। कॉल एक्सटेंशन आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अगर आप लीड कैंपेन चला रहे हैं, आप चाहते हैं लीड जनरेट करना अपनी वेबसाइट से, तो जब यूजर आपकी वेबसाइट पर जाएंगे तभी तो वो आपके जो फॉर्म वगैरह उसको फिल करेंगे। यहीं पर एक और फीचर होता है कॉल एक्सटेंशन का, आप अपनी ऐड में लगा देते हैं। यहां पर क्या होता है, यूजर जब वो मोबाइल से सर्च कर रहा, अगर उसने कॉल एक्सटेंशन पर क्लिक करा तो उसके फोन में डायलर ओपन हो जाएगा और डायलर ओपन होते ही वो आपको कॉल कर लेगा। यानी यहां पर यूजर को जरूरत ही नहीं पड़ी वेबसाइट पर जाने की, वो जो ऐड देखते ही वहां पर क्लिक करके आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यह बेनिफिट होता है कॉल एक्सटेंशन का। और इसका दूसरा एक बेनिफिट यह है कि आप एक ही ऐड से दो टाइप के लीड्स लेकर आ रहे हैं। एक तो आपकी वेबसाइट पर जाएगा, वहां से लीड आएंगे, एक कॉल के थ्रू भी आपको आ जाती है लीड। तो यहां पर कह सकते हैं कि एक ऐड में आप डबल बेनिफिट उठा रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि आपको कॉल एक्सटेंशन या अदर टाइप के जो एक्सटेंशन है, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जरूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप इसका जो फीचर है इसका बेनिफिट उठा सके। यहीं पर कॉल आउट एक्सटेंशन है, आप इसको भी हम देख सकते हैं। यू कैन यूज टू ब्रिंग मोर अटेंशन योर एड, लाइक फ्रेजेस लाइक 24/7 सर्विसेज। आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है, तो आप वहां पर डाल सकते हैं कि देखिए मैं 24/7 सर्विसेज देता हूं, हमारा स्टोर, हमारा क्लिनिक ओपन होता है, फ्री शिपिंग आप सकते हैं। अगर आपका कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आप कह सकते हैं कि पैन इंडिया फ्री शिपिंग करते हैं, आप इसके लिए कोई चार्ज हम नहीं लेते। इट गिव यू मोर स्पेस टू स्पाइस अप योर ऑफर, टेक अप मोर स्पेस एंड एनहांस योर एड्स। तो आपकी जो एड है वो काफी रिच लगती है। जब भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपसे रिलेटेड क्वेरी होती है तो वहां पर आपका एड रिच दिखता है, क्योंकि आपने वहां पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाला है कॉल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके, कॉल आउट एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है गूगल एड्स का, आपको इसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब के ऊपर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। इन सब के ऊपर आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छी जानकारी। ठीक है, चलिए यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डज गूगल एड्स जनरेट रिस्पॉन्सिव सर्च एड। अब सर्च एड अगर आप बनाने जाते हैं तो वहां पर आपको दो टाइप के सर्च एड बनाने का ऑप्शन मिलता है, एक नॉर्मल सर्च एड होता है और एक रिस्पॉन्सिव सर्च एड होते हैं। इसी तरह डिस्प्ले एड्स भी आप बनाते हैं तो वहां पर भी आपको एक नॉर्मल डिस्प्ले एड्स बनाने को मिलता है, एक होते हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि ये रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड या रिस्पॉन्सिव सर्च एड का मतलब क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। इन गूगल एड्स मिक्सेस एंड मैचेस हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन लाइन दैट हैव बीन प्रोवाइडेड। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे एक नॉर्मल सर्च ऐड है तो आपने वहाँ पर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और जो भी इमेज वगैरह डाल दिया उसी को आपका ऐड दिखाया जाएगा यूजर को। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या होता है, गूगल आपसे कहता है कि देखिए आप मुझे दो हेडलाइन दे दीजिए, दो तीन चार पाँच इस तरीके से, पाँच यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, आप यहाँ पर कुछ मुझे इमेजेस वगैरह दे दीजिए, यहाँ पर कुछ मुझे कीवर्ड्स दे दीजिए। मैं क्या करूँगा, इन सब को मिक्स एंड मैच करके यूजर को दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे उसने क्या करा, एक यूजर को पहले एक हेडलाइन 1 दिखाया और डिस्क्रिप्शन 2 दिखाया, इमेज 1 दिखाया,
इसका एक कॉम्बिनेशन बनाया और उसने यूजर को दिखाया। अब यूजर इस पर क्लिक नहीं करेगा तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप दूसरा दिखाएं, हेडलाइन 2 और डिस्क्रिप्शन 3 और इमेज दूसरा दिखाने की कोशिश करेगा उसी ऑडियंस को। अगर वो इस पर क्लिक कर गया तो आपका काम बन गया। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब ही है कि गूगल एड्स यहां पर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपके लिए बेस्ट रिजल्ट लाने की कोशिश करता है, जो भी आपने एसेट प्रोवाइड करा है उसको इस्तेमाल करके। क्योंकि रिस्पॉन्सिव सर्च एड और रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप बहुत सारा जो एसेट दे दीजिए गूगल को, बहुत सारे वीडियोस दे दीजिए, बहुत सारे इमेजेस वगैरह दे दीजिए, लोगो वगैरह दे दीजिए, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, उन सब को वो मिक्स एंड मैच करके यूजर को दिखाने की कोशिश करेगा। जो यूजर जिस वाले एड के साथ परफॉर्म कर गया, कन्वर्जन कर गया, वही बेस्ट है। नेक्स्ट यहां पे लेट्स अज्यूम वी हैव इंटेंट मल्टीपल हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन व्हाइल क्रिएटिंग द रिस्पॉन्सिव सर्च एड एंड ओवर टाइम गूगल एड्स विल ऑटोमेटिकली टेस्ट डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड लर्न विच कॉम्बिनेशन परफॉर्म बेस्ट। यहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाएगा जो आपने एलिमेंट दिए हैं, जो आपने यहाँ पे एसेट्स वगैरह दिए हैं। इसलिए जब भी आप देखते होंगे कि जब भी बात होती है सर्च ऐड की तो वहाँ पर इसी की बात होती है, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड की ही बात होती है। मोस्टली मार्केटर इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड को, क्योंकि यहीं से आपको रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी। आपने देखा होगा बहुत सारे जो कैंपेन है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वहाँ पे बिडिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है, और हर एक कैंपेन का एक अपना बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे डिस्प्ले ऐड में आपने देखा होगा वहाँ पर VCPM होता है, यानी व्यूअल CPM होता है। इसी तरह आपको यूट्यूब एड्स में वहाँ देखने को मिलेगा CPV होता है। इसी तरीके से आपको सर्च ऐड में मैनुअल के अंदर मैनुअल CPC मिलता है, इनहैंस CPC मिलता है, कन्वर्जन मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस टाइप के ऐड को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टाइप के कैंपेन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बिडिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिलते हैं। और ये बिडिंग स्ट्रैटेजी भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोमेटिक, यानी यहाँ पर कंट्रोल गूगल के पास होते हैं, एक होता है मैनुअल, जहाँ कंट्रोल आपके पास होता है और आप डिसाइड करते हैं कि एक कीवर्ड की जो बिडिंग है वो आप कितना देना चाहते हैं। ये जो है आपको पूछ रहा है ये सर्च एड से केस में है, सर्च एड के केस में आपसे ये चीज़ क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जा रही है। मैनुअल बिडिंग अलाउ यू टू सेट ए बिड अमाउंट फॉर ईच कीवर्ड। जैसे आपका कोई बिजनेस है, जैसे मैं आपको बताया वेडिंग फोटोग्राफर का आपका कोई बिजनेस है, आपका वेडिंग फोटोग्राफर का बिजनेस है, आप जाते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर में और आप देखते हैं कि आजकल वेडिंग फोटोग्राफर या बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली, इस वाले कीवर्ड पर क्या बिडिंग चल रही है। मान लीजिए यहाँ पे लेट्स से कि 20 रुपये की बिडिंग चल रही है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर 20 रुपये से लेकर 30 रुपये दे रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? अगर आप मैनुअल बिडिंग के साथ जाते हो तो आपको पता चल गया, अच्छा 20 रुपये की एक कीवर्ड की हमें बिडिंग आ रही है। इसी तरह मैं अपने कैंपेन में 15 कीवर्ड को इस्तेमाल करूंगा इससे रिलेटेड, और उसका जो एवरेज बिडिंग है वो 15 के करीब, उसकी भी एवरेज बिडिंग 20 रुपए के करीब आ रही, तो आपने यहां पे 21 रुपए दे दिया, 1 रुपए बढ़ाकर, और आप इस कैंपेन को फायर कर देते हैं। तो यहां पर मैनुअल में क्या होता है कि आपके पास कंट्रोल है कि आप यहां पे लगाते हैं, लेकिन यहीं पर ऑटोमेटिक बिडिंग में क्या होते हैं, यहां पे गूगल डिसाइड करता है कि एक जो बिडिंग है आप लगा रहे हो कितनी की आएगी। लेकिन मैनुअल में क्या होता है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूं अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार आप किसी क्लाइंट के लिए एड रन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा मैनुअल बिडिंग के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके पास ये होते हैं डाटा होते हैं। एक बार जब आप 24 घंटे या 48 घंटे ऐड रन कर लेंगे तो यहां पर आपको डाटा दिख जाएगा कि किस कीवर्ड का क्या यहाँ पे बिडिंग चल रही है, क्योंकि ये जो चीज़ें ये डायनेमिक है, आज जो बिडिंग चल रही है एक कीवर्ड की, कल हो सकता है उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, ये सब डिपेंड करता है कंपटीशन पर। अगर एक ही कीवर्ड को मल्टीपल कंपटीशन वहाँ पे उस पे बिडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है उसका जो प्राइस है, उसका जो बिड है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो टाइप की मिलते हैं, एक मैनुअल बिडिंग मिलती है, एक ऑटोमेटेड बिडिंग मिलती है। मैनुअल में आपको CPC मिलती है, जिसे हम मैनुअल CPC कहते हैं, और ऑटोमेटेड बिडिंग में मल्टीपल टाइप की आपको बिडिंग मिलती है। इन सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, बिडिंग स्ट्रैटेजी से लेकर किस कैंपेन में किस टाइप का आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब के ऊपर डिटेल में आपको अच्छे से समझाया हूँ। और अगर आप यही सारी चीज़ें मुझसे लाइव क्लासेस में सीखना चाहते हैं, जिस तरीके से मैं अभी आपको केस स्टडी के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, यही सारी चीज़ें आप कंप्लीट गूगल एड्स मास्टरी कोर्स मुझसे सीखना चाहते हैं, लाइव क्लास में सीखना चाहते हैं और 1-to-1 आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने कंप्लीट लाइव गूगल एड मास्टरी कोर्स लॉन्च करा है, ये कोर्स की मॉड्यूल है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये मॉड्यूल फ्री में चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप भी यहां पर देख सकते हैं कि क्या क्या मैं यहां पर आपको पढ़ाने वाला हूं। हालांकि यहां पर ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर मल्टीपल सब टॉपिक्स है, फिर इसको पढ़ाने के जो केस स्टडीज है, जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है,
है, उन सब के साथ मैं आपको गूगल एड्स मास्टरी कोर्स सिखाता हूँ। इस कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट लाइव और इंटरैक्टिव क्लासेस दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको 1-to-1 पढ़ाया जाता है, यानी आप ही इस क्लास में होंगे, आपके अलावा कोई और नहीं होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक बच्चे की जो सीखने की कैपेसिटी है अलग होती है, उनकी प्रायर नॉलेज अलग होते हैं, उनके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्लाइंट है, किसी के लिए वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, परफॉर्मेंस नहीं लेकर आ रहे हैं, क्लाइंट्स रिटेन नहीं हो पा रहा है, तब भी आपके लिए ये कोर्स है। आप यहां से सीखकर अपने लिए अच्छे से क्लाइंट को रिटेन कर सकते हैं और मल्टीपल क्लाइंट को मैनेज करके आसानी से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।